हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि दोपहर में मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको पार्ट वन में यूनिट वन, यूनिट टू और यूनिट थ्री और यूनिट फोर के जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे वो मैंने आपको बता दिए थे। और अब हम बात करेंगे यूनिट फाइव, यूनिट सिक्स, यूनिट सेवन और यूनिट एट की। तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कर देना ताकि व्यूज़ अच्छे आ जाएँ, क्योंकि व्यूज़ अच्छे आएंगे तो मैं नेक्स्ट जो आपके पेपर हैं उन सभी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर अपलोड कर दूंगा। अगर व्यूज़ अच्छे नहीं आएंगे तो फिर हमारा मोटिव भी ख़त्म हो जाता है, मतलब हमें भी वीडियो बनाने में अच्छा नहीं लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कर दें ताकि व्यूज़ ठीक ठाक आएँ, ताकि हम और भी आपकी मदद कर पाएँ। बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो यूनिट फाइव है वो है थर्मोडाइनेमिक्स एस्पेक्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये आपको, ये पांचवी यूनिट है, तो इसमें आपको पढ़ना है। पहला जो टॉपिक है वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, तो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा ट्रांस इफेक्ट आपको पढ़ना है, थर्मोडाइनेमिक्स स्टेबिलिटी आपको पढ़नी है, उसके अलावा मेटल कॉम्प्लेक्स की ऊष्मागत की अवधारणा को समझाइए, मतलब ये एक क्वेश्चन है पूरा, तो इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। और रिलेशन भी दीजिए, तो मतलब रिलेशन होगा कोई तो उस रिलेशन को भी आपको देना है। उसके अलावा जो अगली यूनिट है वो है यूनिट सिक्स, जिसका नाम है ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री। पहला टॉपिक है वो है डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक केमिस्ट्री एंड क्लासिफिकेशन, यानी क्लासिफिकेशन और इसकी डेफिनेशन आपको अच्छे से पढ़ लेनी है पहले। उसके बाद EN एंड 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स, ये आपको पढ़ना है। और जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड एंड अ ब्रीफ अकाउंट ऑफ मेटल, तो ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो अगला टॉपिक है वो है एथिलेनिक कॉम्प्लेक्सेस, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा दो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जेसिस सॉल्ट स्ट्रक्चर, ये आपको पढ़ना है। अब बात कर लेते हैं यूनिट सेवन की, तो यूनिट सेवन जो है वो है बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें आपको पढ़ना है होमोग्लोबिन एंड मायोग्लोबिन, ये पढ़ना है। अब देखिए, जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है रोल ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन एंड बायोलॉजिकल सिस्टम मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट एक्रॉस मेम्ब्रेन, तो ये आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके अलावा बायोकेमिस्ट्री ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम की बायोकेमिस्ट्री आपको पढ़ लेनी है। अब देखिए, ये लास्ट यूनिट है, आठवीं यूनिट, और ये है इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स ऑफ सिलिकॉन्स एंड फास्फोरस, तो ये आपको पढ़नी है। इसमें पढ़ना है आपको इनऑर्गेनिक पॉलीमर्स के बारे में पढ़ना है, उनका क्लासिफिकेशन पढ़ना है, उसके अलावा कंपेयरिंग विद दोज ऑफ ऑर्गेनिक पॉलीमर्स और सिंथेसिस पढ़ना है आपको, और फास्फोजीन आपको पढ़ना है। तो ये आपके आठ के आठ यूनिट में मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बता दिए, ये सारे आपको तैयार कर लेने हैं। और जिन लोगों ने पार्ट वन नहीं देखा है वो पार्ट वन देख लो, उसमें आपको 1 2 3 4 यूनिट के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिल जाएंगे।